डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, सपोज दैट डेटाबेस का मतलब होता है कि जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके उसे कहते हैं हम डेटाबेस। समझ में आ गया क्या कहे, जहां पर अपनी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं उसे कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है, नोटपैड है, ठीक है, नोटपैड की एक फाइल है, ये फाइल भी क्या है, एक डेटाबेस, क्योंकि ये इसके अंदर जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होकर रखते हैं। एक्सेल शीट क्या है अपना, डेटाबेस, ठीक है, वो भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन। मतलब जहां पर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसे डेटा बेस, बेस मीन्स आधार, ठीक है, डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा, कोई पूछेगा डेटा क्या होता है, तो डेटा इज द इंफॉर्मेशन, ओके। और डेटाबेस क्या होता है, जहां पर हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। समझ में आ गया क्या, समझे, ठीक ना, ओके ओके। नाउ नाउ कम, सो डेटाबेस इज द, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और डेटा, ओके, अंडरस्टैंड। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ओके, डेटाबेस के कितने टाइप, ओके। सो देर आर मेनी डेटाबेस, देर आर मेनी टाइप्स, many types of database, okay, suppose that structural database, structural database and non-structural database, non-structural database, okay. So there are two type of database, not many, it's a two, there are two, there are two types of database is available. First one is the structural and second one is the non-structural, okay. Structural means kya hota hai, jahan par ek tarike se data rakha jata hai, okay, wo kya kehlata hai, structural. Aur jahan par aise कोई भी डेटा कहीं भी रख दिया, दैट इज कॉल्ड द नॉन स्ट्रक्चर। जैसे आपका फाइल सिस्टम है, फाइल मीन्स फोल्डर है, फाइल है, ठीक है, तो वहां पर अगर डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल। लेकिन अगर वही हम जैसे एसक्यूएल में रख रहे हैं या एक्सेल में रख रहे हैं या एक्सेस में रख रहे हैं, वो उसको कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड नहीं होता, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है, तो हमें इस फॉर्मेट में रखना है। लेकिन फाइल के अंदर पता है कि नोट पैड के अंदर ही रखना है, ठीक है, उसके अंदर कैसे लिखोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, आप कहाँ वाट लगाते हो, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें नोट पैड के अंदर ही रखना है और कहीं नहीं रखना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फाइल, ओके। समझ गए, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में यही छोटा सा डिफरेंस। तो दो तरह के होते हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ डेटाबेस, ओके। सो